स्टेटमेंट बेस है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बैलिस्टिक मिसाइल्स आर जेट प्रोपेल्ड एट सबसोनिक स्पीड थ्रू आउट देयर फ्लाइट, व्हाइल क्रूज मिसाइल्स आर रॉकेट पावर्ड ओनली इन द इनिशियल फेज ऑफ फ्लाइट. सेकेंड स्टेटमेंट इज अग्नि 5 इज ए मीडियम रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, व्हाइल ब्रह्मोस इज ए सॉलिड फ्यूल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल. तो यहाँ पे मिसाइल्स की बात हो रही है, दो तरह की मिसाइल की बात हो रही है, बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल. तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि मिसाइल्स होती क्या है. तो मिसाइल एक ऐसा उपकरण है जिसमें हम युद्ध सामग्री को रखकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं, या फिर ये कह दें कि हम अपने टारगेट को नष्ट करने के लिए जो भी उपकरण काम में लेते हैं उसे मिसाइल कहते हैं. तो मिसाइल दो तरह की होती है, बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल. बैलिस्टिक मिसाइल देखिए, बैलिस्टिक मिसाइल आपने हाल ही में अभी चंद्रयान 3 को लॉन्च होते हुए देखा होगा. तो बैलिस्टिक मिसाइल्स क्या है कि बिल्कुल जैसे रॉकेट को लॉन्च करते हैं वैसे ही लॉन्च होती हैं, एकदम वर्टिकल. तो इनिशियल फेज में इनको बूस्ट करके छोड़ देते हैं, फिर जैसे रॉकेट के अंदर उनका सेपरेशन होता रहता है अलग अलग स्टेज के अंदर, सेम बैलिस्टिक मिसाइल्स के अंदर भी हर अलग अलग स्टेट के अंदर इनके पार्ट्स का सेपरेशन होता रहता है, और एंड में इसमें भी एक पेलोड होता है जिसके अंदर वार वेपन्स होते हैं, वार हेड्स होते हैं. तो बैलिस्टिक मिसाइल स्टार्टिंग में वर्टिकली प्रोजेक्ट होती है, ठीक है, उसके बाद इसके पार्ट्स अलग अलग होते रहते हैं, फिर एक समताप मंडल तक ये जाती है, बहुत ऊंचाई तक जाएंगी, और उसके बाद इसका जो पेलोड होगा वो पैराबोला बनाता हुआ, और फिर एंड में क्या करेगा, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को काम में लेता हुआ टारगेट के ऊपर गिर जाएगा और उसको डिस्ट्रॉय कर देगा. ठीक है, ये जो मिसाइल्स होंगी ये क्या है, बहुत हाइट तक जाती है, इसलिए जो दुश्मन देश होते हैं उनका एयर डिफेंस सिस्टम इनको डिटेक्ट कर लेता है. और ये क्या होती है, हाई पेलोड कैरिंग कैपेसिटी होती है इनके अंदर. हम जैसे न्यूक्लियर जो वेपन्स होते हैं उनको बैलिस्टिक मिसाइल से भेजा जाता है, उनको इनकी जो रेंज होती है वो 5000 किलोमीटर से ज़्यादा होती है. एग्जांपल है, भारत के पास जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं वो है पृथ्वी, आकाश, अग्नि 5. सेकेंड टाइप की जो मिसाइल होती है वो क्रूज मिसाइल होती है. वैसे बेसिकली इन दोनों मिसाइल के अंदर अंतर इतना ही है, इनकी जो ट्रैजेक्टरी होती है उसके बेसिस पे ही इनको अंतर किया गया है दोनों में. ठीक है, तो बैलिस्टिक मिसाइल बहुत हाई तक जाएगी, पैराबोला बनाएगी, देन अंडर ग्रेविटी वो टारगेट को डिस्ट्रॉय कर देगी. और क्रूज मिसाइल जो होंगी वो अर्थ सरफेस के बहुत नजदीक उड़ती हैं, ज्यादा हाइट पे नहीं उड़ती, पैराबोला ट्रैजेक्टरी उनकी भी होती है, तो ज्यादा हाइट पे ना उड़ने के कारण जो दूसरे देश होते हैं उनका एयर डिफेंस सिस्टम उनको डिटेक्ट नहीं कर पाता है. और इस तरह की जो मिसाइल होंगी उनके अंदर जो साउंड वेलोसिटी होती है उस वेलोसिटी के साथ ये वाली मिसाइल उड़ती है, इसलिए हम इनको तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, सबसोनिक, सुपरसोनिक एंड हाइपरसोनिक ब्रह्मोस, सॉरी क्रूज मिसाइल्स, जिसको हम मैक नंबर में नापते हैं. फॉर एग्जांपल ब्रह्मोस एंड निर्भय, ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो क्रूज मिसाइल है. इस मिसाइल को फायर एंड फॉरगिव भी बोला जाता है कि एक बार इसको आप फायर कर दो, बूस्ट किया और भूल जाओ. इसकी एक खासियत यह है कि अगर टारगेट मूविंग स्टेट में है तो भी एक बार फायर करने के बाद ये मिसाइल उसको ढूंढ के, वो कहीं भी अपना पाथ चेंज कर ले, उस टारगेट को ढूंढ के और डिस्ट्रॉय कर देती है, इसलिए इस मिसाइल को फायर एंड फॉरगिव के नाम से भी जाना जाता है. ब्रह्मोस मिसाइल जो होती है उसका नाम इंडिया की ब्रह्मपुत्र नदी और रशिया की मस्कवा नदी है उसके नाम पे रखा गया है, इसलिए इसका नाम ब्रह्मोस है. और पहले हमारे पास ये अधिकार नहीं था कि हम 290 किलोमीटर से ज़्यादा की मारक क्षमता वाली मिसाइल बना सके, लेकिन अब हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है कि हम इस तरह की मिसाइल बना ही नहीं रहे, इवन दूसरे देशों को भी बेच रहे हैं, जिससे हमारे देश की आर्थिक उन्नति को बढ़ावा मिल रहा है. तो एग्जाम्पल ब्रह्मोस जो है वो एक क्रूज मिसाइल है, जबकि अग्नि 5 जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल है. तो हमारा जो स्टेटमेंट दिया गया था, मैम फर्स्ट वाली जो हमारा जो स्टेटमेंट दिया गया है ये जस्ट रिवर्स्ड है. इसमें ब्रह्मोस को तो बताया गया है क्रूज,
सॉरी बैलिस्टिक मिसाइल, जबकि अग्नि फाइव को क्रूज मिसाइल बताया गया। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा राइट आंसर वो होगा नाइदर ऑप्शन वन नोर सेकेंड। थैंक यू। Thank you, ma'am. Now I would like to call Dr. Sonia Srivastava, ma'am, from Department.